नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको मोटो जी 4 प्लस पर ओटीजी सपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये है मेरा मोटो जी 4 प्लस, जिसको कि मैंने अमेजन से खरीदा था। आप हमारी पुरानी वीडियो देखो तो इस फोन के बारे में अनबॉक्सिंग की, टियर डाउन की और दोस्तों कंपैरिजन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों इन लिंक्स पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस फोन के ऊपर ओटीजी सपोर्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बता पाऊँ कि ये जो फ़ोन है आपका किस किस टाइप की ओटीजी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं केबल से। तो दोस्तों आपको इस टाइप की ओटीजी केबल लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है माइक्रो यूएसबी 2, एक रेगुलर यूएसबी पोर्ट केबल। तो दोस्तों आइए अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं और फिलहाल मैं इसको लगाने जा रहा हूँ ऐसे। और दोस्तों आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ओटीजी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है भी नहीं करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी फ्लैश ड्राइव लगा के देख रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आराम से इसने डिटेक्ट कर लिए। दोस्तों यहाँ पर आप यूएसबी स्टोरेज देख सकते हो और यूएसबी स्टोरेज में आप इस डिवाइस के कॉन्टेंट देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मोटो जी 4 प्लस आपका ओटीजी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आइए अब इस डिवाइस को इजेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों इजेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में जाना पड़ेगा और इस इजेक्ट बटन को दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एसडी कार्ड हो चुका है इजेक्ट। तो फिलहाल अब मैं लगाने जा रहा हूँ एक माउस को। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या ये माउस डिटेक्ट करता है। तो दोस्तों आराम से माउस डिटेक्ट हो जाता है। और दोस्तों देख सकते हैं कि ऑन स्क्रीन बटन्स होने की वजह से आप इस बैक बटन को, होम बटन को और रिसेंट बटन को आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि अगर माउस बटन की बात की जाए तो ये बैक बटन है माउस का, वो फिलहाल बैक ले जाने के काम आ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है, राइट बटन है दोस्तों वो तो वर्क कर ही नहीं रहा है। और फिलहाल जो लेफ्ट बटन है दोस्तों वो एक तरह से आपका सिलेक्शन करने के काम आ रहा है। और फिलहाल अगर आपको बैक जाना तो आपको ऑन स्क्रीन इस बैक बटन को टैप करना पड़ेगा। आगे स्क्रॉलिंग देख लेते हैं। दोस्तों स्क्रॉलिंग आराम से कर ले रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब कि आपका मोटो जी 4 प्लस माउस को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आइए अब चेक करते हैं हार्ड डिस्क को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्टली चेक करने जा रहा हूँ एक सीगेट की हार्ड डिस्क, जो कि NTFS फॉर्मेटेड है 2 TB की। तो दोस्तों आइए चेक कर लेते हैं कि ये डिटेक्ट होती कि नहीं होती। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने लगा दी और ये लाइट ब्लिंक कर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दो ऑप्शंस मांग रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो मोटो जी 4 प्लस आपका NTFS फॉर्मेटेड पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करता, चाहे आप फ्लैश ड्राइव इस्तेमाल कर लीजिए NTFS फॉर्मेटेड, चाहे आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर लीजिए, NTFS फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव इस फोन पर डिटेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों उसको अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हो तो फिलहाल अगर आप नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हो तो इस टाइप का आपको मैसेज मिलेगा अगर आप NTFS फॉर्मेटेड कुछ भी यहाँ पर कनेक्ट करोगे, करप्टेड USB डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत है। और फिलहाल अगर आप इस फ़ोन के साथ NTFS फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर में जाके पैरागन UMS ये प्लगइन है दोस्तों, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये नॉन रूट प्लगइन है और फिलहाल जैसे इसको आप इंस्टॉल कर लोगे और तो देख सकते हो कि दोस्तों जब ये एप्लीकेशन ओपन होगी तो फिलहाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा माउंटिंग डिवाइसेस। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि NTFS फॉर्मेटेड सीगेट बैकअप प्लस 2 TB अब हो चुकी है डिटेक्ट और फिलहाल देख सकते हो कि अभी हो चुकी है माउंट। तो दोस्तों अब फिलहाल इसके कंटेंट देखने के लिए आपको टोटल कमांडर यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बिना आप इस डिवाइस के कंटेंट डायरेक्टली EX एक्सप्लोरर या इसका जो इंटरनल फाइल मैनेजर है उसके ऊपर नहीं देख सकते हो। तो दोस्तों आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे तो दोस्तों आप सीगेट बैकअप प्लस के 2 TB की इस हार्ड डिस्क के कॉन्टेंट डायरेक्टली फ़ोन पर देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस मोटो जी 4 प्लस पर एक NTFS फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो मैंने माउंट कर रखा है इसके ऊपर ये पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क वो कर रखी है सिर्फ रीड मोड पर। तो दोस्तों RO लिखा हुआ है रीड मोड पर। तो दोस्तों अगर आपको इसको रीड राइट मोड पर इस्तेमाल करना है तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और फिलहाल पहले अनमाउंट करके और OTG केबल को निकाल के और इसको फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हो कि अब ये माउंट हो चुकी है और RW मोड पर माउंट हुई। तो दोस्तों अब इस हार्ड डिस्क पर या पेन ड्राइव पर जो आपने कनेक्ट कर रखी है NTFS फॉर्मेटेड तो उस पर आप टोटल कमांडर के थ्रू आप डाटा राइट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो चुका है कि कैसे आप एक NTFS फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव को इस फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही दिखाने जा रहा था कि आपका ये फ़ोन USB इस एंड के थ्रू इतनी पावर डिलीवर करता है कि ये एक 2 TB की हार्ड डिस्क को बूट कर सके। तो दोस्तों यही बेनिफिट होता है अगर आप कोई लेते हो ब्रांडेड फ़ोन, जैसे कि मेरे सैमसंग का फ़ोन था वो डिटेक्ट कर गया था इस 2 TB की हार्ड डिस्क को। और मेरे जो दो घटिया फ़ोन है कूलपैड नोट 3 लाइट और ये माइक्रोमैक्स का कैनवस ईवोक, तो दोस्तों इन दोनों फ़ोन ने इस 2 TB की हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके OTG एंड के थ्रू इतनी पावर नहीं आ रही थी कि जो कि इस 2 TB की हार्ड डिस्क को बूट कर पाए। तो दोस्तों फिलहाल
इस फ़ोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दोस्तों आइए अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये फ़ोन आपका यूएसबी हब को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मेरे पास एक ओटीजी यूएसबी हब है, तो दोस्तों आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि इस ओटीजी हब को ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो फिलहाल मैं ओटीजी हब को लगा दे रहा हूँ, और इस ओटीजी हब में सबसे पहले तो मैं लगाता हूँ एक माउस। तो दोस्तों देख सकते हो कि माउस चल रहा है, और दूसरे नंबर पर मैं लगाता हूँ एक फ्लैश ड्राइव। तो दोस्तों देख सकते हो कि फ्लैश ड्राइव डिटेक्ट हो चुकी है, और फिलहाल आप कंटेंट भी देख सकते हो, यूएसबी डिवाइस यहाँ पर डिटेक्ट हो चुकी है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर मैं लगाने जा रहा हूँ इस हार्ड डिस्क को। तो दोस्तों काफ़ी सारी पावर अब आउटपुट होगी इस फ़ोन के ओटीजी एंड पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या ये सपोर्ट कर पाएगा इतना सारा कुछ। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आराम से, बहुत आराम से इसने इन तीनों डिवाइसेस को डिटेक्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ करके कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और फिलहाल आप देख सकते हो करके कि ये फ्लैश ड्राइव को जो कि FAT32 फॉर्मेटेड है उसको तो इसने माउंट कर लिया, और साथ में सीक्रेट को भी माउंट कर लिया। तो दोस्तों आप इन दोनों के कंटेंट डायरेक्टली ये टोटल कमांडर प्रो के इस एप्लीकेशन पर देख सकते हो, सीक्रेट बैकअप प्लस कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ करके कि आपका ये मोटो G4 प्लस इस OTG हब को भी सपोर्ट करता है। इसके OTG एंड के थ्रू इतनी अच्छी पावर आती है कि ये आपके OTG हब में लगी हुई डिवाइसेस, चाहे आप पेन ड्राइव लगा लो, चाहे आप फ्लैश ड्राइव लगा लो, चाहे आप माउस लगा लो, चाहे आप अपनी हार्ड डिस्क लगा लो, तो दोस्तों हर किसी को ये कनेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस फ़ोन का कि ये OTG हब को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मैंने सब कुछ अनमाउंट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि और भी बहुत सारी डिवाइसेस आप इस फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों ये USB फैन हो गया, हालांकि मेरे पास बहुत बड़ा है, मार्केट में बहुत छोटे छोटे USB फैन भी आते हैं। और फिलहाल अगर आप गर्मी में से परेशान हो तो इस टाइप के USB फैन ले लीजिए, और ये आपके फ़ैन को ऑन कर देगा। तो दोस्तों पावर अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा बैकअप टाइम तो नहीं मिलेगा, फिलहाल आपका ये फ़ैन भी चल जाएगा, और साथ ही में आप इस टाइप की फ्लैश LEDs को भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो दोस्तों ये भी चल जाएगी। इसके सिवाय बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो इस USB OTG एंड के थ्रू। तो दोस्तों मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, हालांकि इस फ़ोन के ऊपर नहीं है, सैमसंग गलेक्सी नोट 4 या नोट 3 के ऊपर मैंने बनाई थी, उसका लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए कि ये फ़ोन किन किन डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। हालांकि सैमसंग के फ़ोन्स तो सपोर्ट करते ही हैं, और फिलहाल इसके OTG एंड के थ्रू भी इतनी पावर आ जाती है, और मैं यहाँ पर डेफिनेटली कह सकता हूँ करके कि आपका ये फ़ोन भी उन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये रही मोटो G4 प्लस की OTG सपोर्ट वाली वीडियो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जान पाएं कि मोटो G4 प्लस OTG को सपोर्ट करता है, और इसके थ्रू इतनी पावर डिलीवर हो जाती है कि ये आपकी एक नॉर्मल हार्ड डिस्क को और पेन ड्राइव को साइमल्टेनियसली बूट कर सकता है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।